नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली सूचना आ रही है अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित। अध्यापक भर्ती के लिए उबाल, बारिश में सड़क पर उतरे प्रतियोगी छात्र, भाजपा सांसद और कार्यालय को घेरा। लगातार जो अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कल जो है जिलेवार प्रदर्शन हुआ है और बप्पर प्रदर्शन हुआ है। कोई ऐसा जिला बचा नहीं उत्तर प्रदेश में जहाँ की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थी प्रदर्शन न किए हों। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके बारे में विचार करना पड़ेगा और 17,000 भर्ती से अधिक भर्ती की जो मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी उसको पूरा करने के तरफ विचार करना पड़ेगा। बात अगली करें, अगली जो भर्ती परीक्षा है 15 जनवरी तक जारी हो सकता है टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन। इसमें 27,000 पदों की बात आई थी और जो है ये हुआ था, 27,000 पद जो है बचे हुए हैं और 22,000 उन पदों को भी जोड़ने की मांग कर रहे हैं लगातार युवा। अब 15 तारीख तक नोटिफिकेशन आएगा या नहीं यह अभी नहीं स्पष्ट कहा जा सकता। हालांकि जो चयन के अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने यह बात कही है कि 15 तक जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और एक बात और कही कि इस विज्ञापन पर आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो जूनियर भर्ती परीक्षा से संबंधित है। इसके लिए भी लगातार देखिए अभ्यर्थी पीएनपी पर धरना दे रहे हैं और यह भी भर्ती लटकती नज़र आ रही है और इसमें सब लापरवाही शासन के बाद जो अफसर हैं उनकी है। अगली बात करें दरोगा भर्ती परीक्षा से, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2016 के जो अभ्यर्थी थे उनको राहत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत देते हुए 2016 सब इंस्पेक्टर भर्ती के करीब 2,500 अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नतीजे रद्द करने वाले फैसले पर शीर्ष अदालत के रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा करके अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं रिलैक्स दिया है। बात करते हैं यूपी टीईटी की, तो यूपी टीईटी जो है 23 तारीख को प्रस्तावित है और लगभग सूबे के 2,500 से प्लस यानी कि 2,532 केंद्रों पर होगी प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा। यह बात प्रयागराज की है। ऐसे ही अन्य जो ज़िले हैं उनमें भी केंद्र बनाए गए हैं, किंतु कोरोना संक्रमण एक बड़ा खतरा बन सकता है भर्ती जो सीटेट की जो पेपर है उनके लिए। और आप जानते हैं कि 13 जनवरी तक लगातार सीटेट की जो परीक्षाएँ हैं वो चल रही हैं। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि जो आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एवं फायरमैन के 172 पदों की सीधी भर्ती के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं, जो कि स्पष्ट संकेत और स्पष्टीकरण है कि जल्द ही 26,000 प्लस पर भर्ती आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की देखने को मिलने वाली है। यानी नई भर्ती आपको पुलिस कांस्टेबल की भी जल्द मिल जा रही है। अगली बात करें उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक नई भर्ती आई हुई है, आज ही इसका विज्ञापन आया हुआ है और इसका जो शॉर्टलिस्ट नोटिफिकेशन है वो विज्ञापन संख्या U44 है। इसको 2021 के बेस पे आप देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर। और इसका जो विस्तृत विज्ञापन है या विस्तृत जानकारी है ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम और इसकी डिटेल जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट बात को मिल पा रही है वह मिल पा रही है कोरोना संक्रमण से लेकर के। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, 7 माह बाद 1,00,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। दर जो है संक्रमण की वो 7.4 पहुँच गई है और इससे पहले 6% के करीब थी। अमेरिकन एक और मरीज की मौत, देश के 27 राज्यों में कुल 3,007 संक्रमित, यूपी में 4,228 नए मरीज। अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और लगातार चुनाव प्रचार आदि भी चल रहा है, जबकि सरकार को इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी इसके प्रति सरकार को सचेत किया, किंतु अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया, जो कि परम आवश्यक है। अगर अनदेखी की गई तो एक बहुत बड़ी विडंबना हो सकती है, बहुत बड़ी आफत आ सकती है और जनसाधारण इसमें प्रलय की ओर बढ़ने लगेगा। तो
आप सभी अभ्यर्थी और सभी मित्रगणों से अनुरोध है कि इस संक्रमण को ध्यान रखते हुए उचित सावधानी बरतें। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।